गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञाएं। भाववाचक संज्ञाएं किस प्रकार बनाई जाती हैं, आइए इसको देखते हैं। भाववाचक संज्ञाएं मूल शब्द नहीं होती हैं। ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रियाओं में ई त्व ता पन पा त्य आवर आहट आदि प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं। आइए इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे है लंबा, लंबा एक शब्द है और लंबा आपको पता है कि विशेषण शब्द है। इसमें ई प्रत्यय जोड़ने से ये भाववाचक संज्ञा क्या बन गया, लंबाई। इसी प्रकार प्रभु है, प्रभु जो है एक जातिवाचक संज्ञा है और इसमें त्व प्रत्यय लगा है और इससे भाववाचक संज्ञा बन गया प्रभुत्व। तीखा एक विशेषण शब्द है, ये पन इसमें प्रत्यय लगा है, इससे क्या भाववाचक संज्ञा क्या बन गया, तीखा पन। बच्चों भाववाचक संज्ञा पांच प्रकार से बनाई जा सकती है। पहला संज्ञा से, दूसरा सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से, चौथा क्रिया से और पांचवा अव्यय से। बच्चों संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाई जाती है, आइए देखते हैं। संज्ञा, संज्ञा में देखिए पंडित, पुरुष, बच्चा, मित्र, पशु, मानव, ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अब दूसरी तरफ है भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हुआ है, आइए देखते हैं। पंडित पांडित्य, यहाँ पर देखिए त्य प्रत्यय लग करके यह भाववाचक संज्ञा बन गया है। पुरुष पुरुषत्व, यहाँ पर भी देखिए त्व प्रत्यय लग करके ये भाववाचक संज्ञा बन गया है। बच्चा बचपन, ये भी पन प्रत्यय लग करके ये भाववाचक संज्ञा में बदल गया है। मित्र, यहाँ पे देखिए मित्रता, मित्रता प्रत्यय लग करके ये मित्रता शब्द बन गया है। पशु, पशुत्व और पशुता, इसका दोनों भाववाचक संज्ञा होता है, ये त्व प्रत्यय लगेगा तो पशुत्व बन जाएगा और ता प्रत्यय लगेगा तो पशुता बन जाएगा। मानव, मानवता, यहाँ पर भी देखिए ता प्रत्यय लग करके यह भाववाचक संज्ञा बन गया है। बच्चों दूसरा है सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना, आइए देखते हैं कैसे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। सर्वनाम है अपना, अपना का भाववाचक संज्ञा है अपनत्व और अपनापन, दोनों हो सकता है, दोनों आप एक दोनों आप कर सकते हैं। तो अपनत्व में देखिए त्व प्रत्यय लगा है और अपनापन में पन प्रत्यय लगा है, जिससे भाववाचक संज्ञा अपना का अपनत्व और अपनापन हो गया है। देखिए अहम सर्वनाम है, अहम का मतलब होता है मैं, ये सर्वनाम है, इसका जो भाववाचक संज्ञा होगा अहंकार होगा। ये देखिए यहाँ पर कार प्रत्यय लगा हुआ है इसकी, जिसकी वजह से ये भाववाचक संज्ञा में बदल गया है। मम का मतलब होता है मेरा, ये भी सर्वनाम शब्द है और इसका भाववाचक संज्ञा है, त्व प्रत्यय लग करके बन गया है ममत्व। निज, निज मतलब होता है अपना, अपना ये सर्वनाम शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा है निजत्व, इसमें भी देखिए त्व प्रत्यय लग करके ये भाववाचक संज्ञा में बदल गया है। सर्व, सर्व मतलब होता है सभी, सर्वस्व, यहाँ पे देखिए स्व प्रत्यय लग करके ये बन गया है सर्वस्व, भाववाचक संज्ञा बन गया है। स्व, स्व मतलब होता है अपना, इसका देखिए त्व प्रत्यय लग करके ये स्वत्व, ये भाववाचक संज्ञा बदल गया है। तीसरा है विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना, आइए देखते हैं विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाई जाती है। विशेषण है सुंदर, कठोर, अच्छा, कायर, लंबा, मीठा, ये सभी शब्द विशेषण शब्द हैं। अब देखिए इसका भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाया जाता है। सुंदर, सुंदरता, यहाँ पर ता प्रत्यय लग करके ये भाववाचक संज्ञा बन गया है। कठोर, कठोरता, यहाँ पर भी ता प्रत्यय लग करके ये भाववाचक संज्ञा में बदल गया है। अच्छा, अच्छाई, यहाँ पर आई प्रत्यय लगा है इससे भाववाचक संज्ञा बन गया है अच्छाई। कायर से, कायरता, यहाँ पर भी ता प्रत्यय लग करके ये भाववाचक संज्ञा बन गया है। लंबा, लंबाई, यहाँ पर भी देखिए आई प्रत्यय लग करके ये भाववाचक संज्ञा बना है। मीठा, मीठा में मीठा आस प्रत्यय लग करके ये मिठास शब्द बना है जो भाववाचक संज्ञा है।
चौथा है क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। आइए देखते हैं क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाई जाती है। क्रिया चढ़ना, पढ़ना, लड़ना, लिखना, हंसना, बोलना, ये सभी शब्द क्रिया शब्द हैं। अब देखिए इससे भाववाचक संज्ञा कैसे बना है। चढ़ना का भाववाचक संज्ञा है चढ़ाई, यहाँ पर देखिए आई प्रत्यय लग करके ये भाववाचक संज्ञा में बदल गया है। पढ़ना पढ़ाई, यहाँ पर भी आई प्रत्यय लगा है जिससे भाववाचक संज्ञा बन गया है। लड़ना का भाववाचक संज्ञा है लड़ाई, यहाँ पर भी आई प्रत्यय लग करके भाववाचक संज्ञा बन गया है। लिखना का लिखावट, यहाँ पर देखिए आवट प्रत्यय लगा है तो इससे भाववाचक संज्ञा बना लिखावट। हंसना का हंसी, यहाँ पर ई प्रत्यय लगा है इससे भाववाचक संज्ञा बन गया है हंसी। बुनना का बुनाई, यहाँ पर भी आई प्रत्यय लगा है और बुनावट, इसका दोनों हो सकता है, बुनाई और बुनावट दोनों हो सकता है। बुनाई में आई प्रत्यय लगा है और बुनावट में आवट प्रत्यय लग करके ये भाववाचक संज्ञा में बदल गया है। पांचवा है अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। आइए देखते हैं अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनता है। अव्यय समीप, धिक, निकट, दूर, वाह वाह, ये सभी अव्यय शब्द हैं। अव्यय का मतलब होता है जो व्यय न हो, जो लिंग वचन कारक के कारण जिसका परिवर्तन नहीं होता है वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। अव्यय में अव्यय की भाववाचक संज्ञा में किस प्रकार परिवर्तन हुआ है। समीप शब्द अव्यय है और इसका भाववाचक संज्ञा है समीपे, यहाँ पर यह प्रत्यय लग करके ये भाववाचक संज्ञा में बदल गया है। यहाँ पर है समीपता, यहाँ पर देखिए ता प्रत्यय लग करके समीपता भाववाचक संज्ञा हो गया है, ये सामीप्य और समीपता दोनों हो सकता है। धिक में कार प्रत्यय लग करके बन गया है धिक्कार जो भाववाचक संज्ञा है। निकट का भाववाचक संज्ञा हो गया निकटता, यहाँ पर देखिए ता प्रत्यय लग करके भाववाचक संज्ञा में बदल गया है। दूर का दूरी, यहाँ देखिए ई प्रत्यय लग करके ये भाववाचक संज्ञा में बदल गया है। वाह वाह का वाह वाही, अब यहाँ देखिए ई प्रत्यय लग करके ये भाववाचक संज्ञा बन गया है। बच्चों आशा करती हूँ कि आपको भाववाचक संज्ञा बनाना समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।